नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौसे। मैं इस वक्त दीक्षा भूमि पर हूँ और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो गेट लगा हुआ है, यहाँ पर दलित पैंथर का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो खास करके मेहमान जो आए हैं, दिल्ली के पूर्व जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं और यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल जी भी यहाँ पर आए हैं। आप मैं बताऊँगा आपको और आगे भी ले चलूँगा, आगे हॉल के अंदर में आपको मैं ले चलूँगा। चलिए हॉल के अंदर देख सकते हैं, अभी हम हॉल के अंदर में पहुँच रहे हैं। तमाम यहाँ पे जो स्टॉल किताबों को की स्टॉल भी लगी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको सीधा हॉल की ओर ले चलूँगा और बताऊँगा प्रोग्राम में जो है बहुत यहाँ पर तरीके से जो दलित पैंथर की जी वर्षगांठ है यहाँ पे मनाई जा रही है, मैं पूरा आपको बताऊँगा। यहाँ से सीधा मैं आपको हॉल का दृश्य बताऊँगा। अभी थोड़ा सा छोड़िए, अभी हम हॉल में पहुँचे हैं, देख सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको हॉल में क्या भीड़ है, मैं बताऊंगा अभी फिलहाल में। पूरा ये देखिए, पूरा हॉल जो है भरा हुआ है। यह हल्का यहाँ पर भाषण चल रहा है, पवार साहब का भाषण चल रहा है। मैं हॉल बताऊंगा आपको, टोटल पूरा हॉल भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल हॉल जो है पूरा भरा हुआ है, खचा खच हाल भरा हुआ है। और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हॉल भरा है। दलित पैंथर की 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जा रही है और तमाम लोग जो यहाँ पे है, अम्बेडकरवादी लोग जो यहाँ पे मनाए हैं आए हैं। अब मंच की ओर आपको थोड़ा बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे जो है जेवी पवार साहब यहाँ पे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। बहुत ही यहाँ पर जो है अम्बेडकर अनुयायी आए हैं। अभी हम आपको सुनाएंगे यहाँ पर जो वक्ता जो आए हैं उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया, आइए सुनिए। मेरी तारीफ कुछ ज्यादा कर दी गई। पाल पवार साहब, गौतम साहब, पगड़ागरे साहब, श्रावण जी और मिर्जा साहब चले गए। आप सबको ये गोल्डन जुबली की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि गोल्डन जुबली पूरा वर्ष मनता है। तो मैं दीक्षा भूमि पे अभी हूं और बोल रहा हूं और एक अपील आपसे करता हूं कि जिस तरह से धम्म दिवस बाबा साहब ने इसी धरती पे धम्म की दीक्षा ली थी और अंबेडकर नामा पे एक एक एपिसोड उस पर बन चुका है। कई एपिसोड्स हमने बनाए थे, क्या कहा था, कितने लोग आए थे, अखबार में क्या रिपोर्टिंग हुई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने लाखों अपने अनुयायियों के साथ यहाँ धम्म की दीक्षा ली थी, मैं महाराष्ट्र के सभी दोस्तों से यह अपील करता हूँ और साथ साथ आज के दिन देश के पूरे दोस्तों से अपील करता हूँ कि उसी तरह 14 अक्टूबर को दोहराई जाए और दीक्षा भूमि में बड़ा कार्यक्रम हो दलित पैंथर, तब मजा आएगा। बड़ा हुआ है लेकिन ये काफी नहीं है। प्रतिरोध का संदेश कई बार संख्या से भी जाता है। जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, और अब हमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं, हमारा मोबाइल फोन ही काफी है। मैं आपके आपके प्रोग्राम्स में आता हूं तो बतौर वक्ता भी रहता हूं और बगैर माइक वाइक और स्टैंड वगैरह लेके भी चलता हूं, अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो हमारे साथी यहां हमें सहयोगी मिल गए हैं, उन्होंने मेरे लिए कैमरा पकड़ लिया है, तो खुद ही करनी पड़ती है। बहरहाल अब पवार साहब के साथ कल से गुफ्तगू कर रहा हूं और उनके सामने दलित पैंथर में बोलना उसी तरीके से है जैसे कि सूरज सामने हो और दिया चुनौती दे। सूरज के सामने दिया चुनौती दे कि मैं आपको बताऊंगा आप कितनी प्रकाश है आप, वो बात है। दलित पैंथर पे हम सुनेंगे। मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा मिक्स्ड हिंदी में भी बोलें ताकि अंबेडकर नामा के दोस्त भी इनके आपको सुनेंगे। मैंने अभी दलित पैंथर किताब हिंदी में प्रकाशित हुई है दिल्ली से, फॉरवर्ड प्रेस से मैंने मंगाई है, कुछ मैंने पढ़ा है। तो मैंने मेरी एक उल्टी आदत है, जब लोग ऐसे सोचते हैं मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ। इतिहासकार का काम ही यही होता है, इतिहास के छात्र का, कि थोड़ा उलट पुलट करके सोचो तब समझ में आएगा।
तो मैं किताब का इंट्रोडक्शन के साथ साथ पढ़ता ही हूँ और सबसे पहले मैं कंक्लूडिंग पोर्शन पे चला जाता हूँ कि आखिर किताब का सारांश क्या है, उसके बाद पूरा किताब पढ़ता हूँ। शुरुआती कुछ पेज पढ़ने के बाद मैं सीधा चला गया, देखें अंतिम में पवार साहब क्या लिख रहे हैं। तो अंतिम में उन्होंने लिखा है दलित पैंथर का विघटन, पतन कैसे हुआ, और इसमें जो कारण बताए हैं वो दिलचस्प है कि कैसे दलित पैंथर के कुछ कार्यकर्ता दादा बन गए, उगाही करने लगे, तमाम ये बातें हैं, और कैसे उसमें तीन खंड बट गए उसी चुनाव में 70s में। उसमें से तो कुछ अब दलित पैंथर क्या आप तो वो ऑरेंज कैट बन के मंत्री वगैरह भी बन गए होंगे, पैंथर से ऑरेंज कैट, तो वो मैंने पढ़ा देखा उसके, और कुछ और शोध की जरूरत है मुझे लगता है। बहुत ही आपने शॉर्ट में कंक्लूडिंग पोर्शन डाल दिया है, हो सकता है अनुवाद में कुछ बेहतर ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि उस पर और काम करने की जरूरत है, और उसमें हम लोग का सहयोग अगर होगा तो हम करेंगे। कि मेन था कि दादागिरी उगाही ये हर मूवमेंट के साथ इस तरह का होता है, और गुटबंदी ये भी होता है, और इसका कारण तलाश करने की जरूरत है। इसका कारण ये है, मैं अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूं और भक्ति से नहीं पढ़ रहा हूं, यकीन मानिए भक्ति भाव से नहीं पढ़ रहा हूं, अंबेडकर साहब को एक दर्शकार की दृष्टि से वो पढ़ रहा हूं। उनके जमाने में व्हाट्सएप इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में जियो पॉलिटिक्स कुछ और था, डेवलपमेंट का ये लेवल नहीं था, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो एक इतिहास के छात्र को भक्ति के साथ किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, मैं वैसे ही पढ़ रहा। तो अगर उनको उनसे जो मैंने समझा है वो यही समझा है कि अभी तो खोबरागढ़ साहब आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जिला संभाले होंगे, बड़े बड़े पोजिशन संभाले होंगे, अगर कप्तान सिपाही के ऊपर कप्तान नहीं हो, सिपाही पुलिस सिपाही के ऊपर अगर कप्तान नहीं हो तो सिपाही बंदूक लेके डाका भी डाल सकता है। तो इसीलिए एसपी कमांडर की जरूरत होती है। मुझे लगा कि एक लंबे समय में बाबा साहब जिस तरह का कमांडर्स चाहते थे, दलित पैंथर ने जिस तरह, तीन लोग पवार साहब हमारे साथ हैं, आप इनको सुनेंगे अंबेडकर नामा पे लंबा लंबा इंटरव्यू हमने किया है, राजा ढाले थे और ढसाल साहब थे, तीन लोगों ने इस बीड़ा को उठाया। वो गैप जो था 56 के बाद और तकरीबन 14-15 साल का गैप, इस तरह पेशवाई शासन की वापसी हो रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पेशवाई की वापसी हो रही है। तो हमें बहुत सारे कप्तान की जरूरत है, लीडर्स की जरूरत है, और शायद मैं गलत भी हूं, 75 साल में जो एक्सपेक्टेशन था बाबा साहब की लीडर्स प्रोड्यूस करने की, हम लोग ज्यादातर डीलर्स प्रोड्यूस कर दिए, लीडर नहीं प्रोड्यूस किए, और लीडर्स को हम बहुत लिमिटेड सेंस में समझते हैं। लीडर का मतलब समझते हैं वो आमदार हो गया, खासदार हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मिनिस्टर हो गया, यही लीडर होता है। बाबा साहब तो लोकसभा चुनाव को भी नहीं जीते, कहां जीते मुझे बताइए, एंड वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। थोड़ा व्यापक समझ व्यापक करने की जरूरत है। थोड़ा सा और बोलूंगा क्योंकि कई लोग हैं और मुझे लगता है कि 10 मिनट बोल के फिर दो हमारे जो चीफ स्पीकर्स हैं, गेस्ट हैं, उनको सुना जाएगा। क्योंकि आजकल भावना आहत गिरोह जो है बहुत सक्रिय है, भावना आहत गिरोह बहुत सक्रिय है, और 22 प्रतिज्ञा भी चर्चा में है, और मैं नागपुर में हूं, दीक्षा भूमि पर हूं, तो इस पे नहीं बोलूं तो मुझे लगता है कि मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि भावना आहत गिरोह का हेडक्वार्टर इधर ही है, ठीक है ना। भावना गिरोह जो है, भावना आहत गिरोह, उसका हेडक्वार्टर इधर ही है, और भावना आहत विश्वविद्यालय के जो पहले गुरु थे वाइस चांसलर बुद्ध साहब, तथागत बुद्ध, और बाद में बाबा साहब, उनका बिगड़ा हुआ चेला मैं, बिगड़ा हुआ चेला हूं, इसलिए बगैर इन पर बोले हम रहेंगे नहीं। अभी लेटेस्ट आया है राजेंद्र पाल गौतम साहब पर, तो साधु लोग जो है
वो कह रहा है कि 50 लाख रुपया का इनाम रखेंगे। गौतम साहब शरीफ चले हैं, मैं बिगड़ा चला, हम दोनों दोस्त भी हैं, आसपास रहते भी। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि बाबा काम तो करते नहीं हो, 50 लाख इनाम दे रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? पहले पूछो बाबा से। अरे डरपोक आदमी, तुम इनाम दे रहे हो किसी और को, अरे हिम्मत है तो खुद आओ ना, खुद आसपास बातचीत करेंगे, हिम्मत है तो खुद आओ। भाई संविधान बहुत कुछ कहता है, मुझे भी बहुत भावना, हाथ गैंग ने इतनी मुझे धमकियां मिलती है रोज, अभी तो थोड़ा कम हो गया, इधर लगा डरेगा नहीं इसलिए अब थोड़ा कम हो गया। बहुत सारी धमकियां, मैं रोज ये मार दूंगा काट दूंगा, मैं अकेले ही रहता हूं इससे, मेरे कैंपस में मेरे अलावा आसपास में घर भी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मार काट दोगे तो संविधान हमें अपनी हिफाजत की रक्षा करने की अधिकार देता है। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखती कि मुझे 156 का लाइसेंस दीजिए, जरा गिद्धों का शिकार करना। भाई अकेले आओगे कि झुंड में आओगे ये बता क्या ना, तब ना बातचीत हो। संविधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है, झुंड में आओ तो नंबर बता देना, उसी हिसाब से खाने पीने का इंतजाम करूंगा। साथियों ये बात क्यों कह रहा हूं, बहुत अखबार में चला, टेलीविजन में चला कि प्रोफेसर ने 156 की मांग की, सांकेतिक सिंबॉलिक। क्यों? हमारे कई साथी, मैंने पहले ही कह दिया राइडर लगा दिया है, मेरे से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कई साथी हमारे कई बात कहते हैं, मैंने पहले बिगड़ा हुआ चेला मैंने लगा दिया इसलिए मेरे से आप असहमत हो सकते, प्रेम करुणा शांति बात करते, मैं कहता हूं सही बात है लेकिन ये काफी नहीं है। प्रेम करुणा शांति उनके सामने बात करेंगे तो इसका मतलब समझता, गीदड़ और भेड़ियों के सामने प्रेम करुणा शांति की बात करेंगे आपको खा जाएगा, तो उसके लिए जो है रक्षा के लिए डंडा बगल में रखना पड़ता है। और जिस दिन आप अपने खड़े होके देखिए भावना हाथ तो हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी हो जाएगी, मेरे शर्ट अच्छे सफेद है, कपड़े अच्छा है, मूंछ रखने में उससे भी स्टाइल गड़बड़ हो सकता है, बुलेट पे चल रहे हैं उससे भी, तुम्हारी भावना का हमने ठेका लिया है क्या? अगर ये तुम्हारी भावना हाथ होना है तो तुमको हर सेकेंड हर पल हर मिनट तुम्हारी भावना हाथ होगी और करेंगे अपने आप को सुधार। ये है मामला। तो इनकम टैक्स जरूर गौतम साहब लिखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी आजकल बड़ा एक्टिव है, सीबीआई उनको भी लिख दीजिए, जरा बाबा का पता करो पैसा कहां से आया है, दान में मिला है, भीख मांगा है कि कमा के लाया है, और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा। चलिए 22 प्रतिज्ञा जो है बहुत चर्चा में, एक बात बताओ आप इस दीक्षा भूमि पे 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? बड़े बड़े कार्यक्रम इधर होते हैं ना 14 अक्टूबर को, उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेता आते हैं कि नहीं आते? फडणवीस, नितिन गडकरी, नाम ले रहा हूं मैं मैडम, सब आते हैं, उनके सामने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है, उसको किसी ने कहा इस्तीफा देने के लिए, किसी ने मांगा? मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों आता है यहां पे बैठ के? बुलाते हैं लोग, बुलाते हैं इधर, फिर भी आता है आपके सामने 22 प्रतिज्ञा सुनता है, क्यों? वाई? क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको अच्छा लगता होगा ना, पंडित जी हमारे घर पे आए हैं, मेरे कंधे पे हाथ रख दिए, तो ये गुलामी का सोच है, आपको अच्छा लगता होगा, हम आएंगे तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं लगे, वो आते हैं आपका खाना खाते हैं, वो सोफा में बैठेंगे आप नीचे बैठेंगे, ये भी होता है, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं आया हूं 24 अक्टूबर को, कभी आया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए आपसे पूछ भी रहा। इसी से जुड़ा सवाल है कि धम्म 22 प्रतिज्ञा, घर वापसी अच्छी बात है, अच्छी बात है,
और मैं एकदम मेरे यहाँ आइए, मेरे घर में कोई बच्चा तक भी कोई आडंबर पाखंड कर कुछ नहीं होता है। घर पे सबसे पहले अम्बेडकर साहब का फोटो, फिर मूर्ति, फिर तथागत का फोटो, इतने ही है। मैं उपासक हूँ, साधारण उपासक है ना, कुछ कर्म कांड नहीं मानता। जो मर्जी है खाना खाता हूँ, जिस दिन मर्जी है खाना खाता हूँ। ये नहीं हो कि जय भीम भी बोल रहा हूँ, पीछे गणेश जी भी रखा हुआ, ये वाला नहीं। क्या खबड़ा गया साहब, ठीक है ना, कि जय भीम हमारा पॉलिटिकल बिजनेस है और इधर गणेश जी हमारा धार्मिक बिजनेस है, आस्था है, दिखाना भी है कि हम हिंदू हैं, वो वाला हम लोग नहीं है। तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन बताइए क्या यह पर्याप्त और काफी है? क्या यह पर्याप्त और काफी है? मैं समझता हूं नहीं। कि जब तक राजनीतिक चेतना आपके अंदर नहीं आए, दोस्त और शत्रु को पहचाने का सेंस नहीं आए, तब तक प्रेम, करुणा, मैत्री, परिवर्तन, 22 प्रतिज्ञा इसके मतलब नहीं है।